हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए कोई नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग ना पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। इससे थोड़ा सा पहले ही मैंने वो वाला व्लॉग एंड किया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाता तो तब तक मेरा डिनर नहीं बना था। तो मैंने उस व्लॉग में भी बोला था कि आगे की वीडियो जो है मैं अगले व्लॉग में दूंगी। तो बस ये उसी के बाद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और पिछले व्लॉग में ना शायद मुझे डे का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो मैंने उसमें शायद मंडे बोला हुआ था, बट वो शायद ट्यूसडे का व्लॉग था और ट्यूसडे की इवनिंग पे ही मैंने एंड किया था। और अब डिनर मैं बना रही थी, तो ये भी ट्यूसडे की नाइट का ही व्लॉग है। तो डिनर यहाँ पर, डिनर की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए चॉपिंग कर ली है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी और साथ में अरहर की दाल। तो दाल तो अभी मैंने सोख करके रखी हुई है और उसको मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तब तक उससे पहले ना मैंने सारी तैयारी भिंडी बनाने के लिए कर ली थी। भिंडी को भी मैंने कट कर लिया था, और प्याज और टमाटर जो भी चॉपिंग के लिए चाहिए वो भी, मतलब जो मसाले के लिए चाहिए वो भी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल को जो है कुकर में डाल दिया और अब इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। तब तक मैं भिंडी वगैरह बनाऊँगी, तब तक ये बॉयल हो जाएगी। तो इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, तो इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लग गई भिंडी। तो तेल मैंने गरम कर लिया, उसके बाद मैंने डाला जीरा, उसके बाद प्याज। और प्याज ना गाइस मैं थोड़े से बड़े बड़े कट करके ही डालती हूँ, क्योंकि भिंडी में ना इसी टाइप के प्याज अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा ना मतलब कम पकाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा कच्चा प्याज जो रहता है ना 50% कुक हुआ, तो वही भिंडी में ज़्यादा टेस्ट देता है। तो मैंने ना प्याज को 50% ही कुक किया, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए थे चॉप किए हुए, उसके बाद उसको मिक्स किया। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा पक गया, उसके बाद मैंने सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए। उसको भी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाया, और जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, उसके बाद मैंने उसमें भिंडी ऐड कर दी। और भिंडी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सारा जो हमारा मसाला हमने तैयार किया था वो भिंडी में एकदम कोट हो जाए और उसमें ऐड हो जाए, उसका फ्लेवर आना चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा एंड में नींबू डाला है। और जब भी मैंने आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर किया ना, मैंने ये वाला पार्ट जरूर शेयर किया जब मैं लास्ट में नींबू ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना भिंडी में जो चिपचिपापन आता है ना वो एकदम खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर जो बीच में वो चिपचिपापन आता है ना, वो मुझे भिंडी में बिल्कुल पसंद नहीं, और वो ना नींबू से एकदम चला जाता है जब भिंडी पकने लग जाती है। तो बस यहाँ पर दाल बॉयल हो चुकी थी, भिंडी भी मेरी बन गई थी, दूध वगैरह मैंने बॉयल कर दिया था। उसके बाद जो है ना ये मैं मटका देखने लगी थी, क्योंकि मटके में आ गई थी दरार, और ये मैंने पानी से भरा ना पूरा पानी इसका निकल गया था। तो मैं उसमें देख रही थी दरार कहाँ है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, बट फिर मैंने उसको खाली करके रख दिया। उसके बाद टाइम ऐसे हुआ था, तो आज मैंने सब्जी थोड़ी जल्दी तैयार कर दी, क्योंकि उसके बाद ना मैं इवनिंग में भी अपना योगा करती हूँ ना, फिर उसी टाइम पे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो जाता है। तो आज मैंने सब्जी बना के दाल बॉईल करके, उसके बाद एक घंटा भी मैं अपना योगा करूंगी, तो फिर जो है ना हस्बैंड आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ तो लेट हो जाता है, तो इससे पहले मैंने सब्जियाँ वगैरह तैयार कर दी, और रोटी मैं तब के तभी बना दूंगी जब आ जाएंगे। तो उसमें ना थोड़ा सा मेरा जो योगा का टाइम है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। अगर मुझे डिनर भी उसी टाइम होता है और योगा भी, तो फिर मैं डिनर बनाने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना अपना रूटीन चेंज कर लिया इवनिंग का, क्योंकि उसमें मेरा एक घंटा योगा का भी ऐड हो गया है इस वजह से। तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है, तो मैं खाने का ना थोड़ा सा पहले तैयारी कर लेती हूँ और रोटी वगैरह छोड़ देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी मैं आ गई थी अपना योगा करने के लिए। अब मैं पूरा एक घंटा योगा करूँगी, मैं 6 से 7 करती हूँ, या 6:30 से 7:30, मतलब यही मेरी टाइमिंग होती है योगा करने की, और वही टाइमिंग होती है डिनर बनाने की, आप लोगों को पता ही है। तो बस उसी में मैंने अपना जो है टाइम ऐड कर लिया योगा का, और सब्जी वगैरह पहले बना के ना फिर मेरा वो टाइम निकल जाता है। तो बस ये वाला रूटीन मैंने अपना इवनिंग का भी बनाया है। उसके बाद मैं आ गई थी बाकी का काम करने के लिए, योगा वगैरह मेरा हो गया था, हस्बैंड भी आ चुके थे, और मेरा जो काम बाकी का बचा हुआ था वो अब मैं करूँगी। तो दाल में जो है तड़का लगाऊंगी मैं, दाल मेरी बॉइल पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह कट किया, 2 सूखी लाल मिर्च, और उसी से मैं तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा उसमें मसाले डालूंगी, जो कि दाल में मैंने सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डाली थी और नमक डाला था, उसके अलावा मैंने दाल में कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो सारी चीज़ें मैं अभी ऐड करूंगी मसाले में। तो बस यहाँ पर हमारा मसाला पक गया था, उसके बाद मैंने उसको दाल में ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी डालूंगी कंसिस्टेंसी, क्योंकि अपने हिसाब से देखूंगी जितनी भी मुझे गाढ़ी चाहिए, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब उसमें एक बॉयल दे दूंगी, मतलब एक जैसे बॉयल आ जाता है ना, उसके बाद दाल एकदम पक जाती है,
उसके बाद यहाँ पर मेरे काफी सारे बर्तन हो गए थे, थोड़े बड़े बड़े, फ्रिज में से निकलते हैं ना जैसे दूध वगैरह के, तो वो ना शाम का ही काम होता है, दिन भर तो रखे रहते हैं दूध वगैरह सब। तो जब मतलब रात को मैं डिनर वगैरह की तैयारी करती हूँ ना, तो ये सारे बर्तन ना मैं रात को ही निकालती हूँ और रात को ही क्लीन करके जब सोती हूँ। तो बस थोड़े बड़े जो खाने पीने के बर्तन है वो तो अलग ही निकलते, लेकिन जो थोड़े बड़े दूध वगैरह के निकलते हैं ना, उनको भी मैं रात हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, दूध वगैरह गर्म भी करना पड़ता है उस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे जो है बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए हैं। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी डिनर, और आटा लगाना भी बाकी है तो साथ साथ अभी आटा लगाऊंगी। हस्बैंड गए हुए थे थोड़ा मार्केट, थोड़ा बहुत सुबह के लिए ना ब्रेड वगैरह मंगवाए, क्योंकि सुबह जब नाश्ता करते हैं ना तो थोड़ा जैसे रोज रोज रोटी खाने का मन नहीं करता, तो कई बार क्या होता है ना ब्रेड वगैरह खाने का भी मन करता है, और छाछ वगैरह के कुछ पैकेट मंगवाए तो, क्योंकि गर्मियों में चाहिए होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी डिनर की पूरी तैयारी कर दूंगी, ज्यादातर तो हो गई है, रोटियां बनानी बाकी थी तो वो भी मैंने बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा डिनर आज का जो है बिल्कुल तैयार है। तो डिनर में आज दाल रोटी और साथ में भिंडी की सब्जी, सैलेड और मट्ठा, तो आज का हमारा डिनर है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर, और अब मैं आपको ना सीधे मॉर्निंग में मिलूंगी गाइस। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज सुबह सुबह मैंने पहले मशीन लगा दी, मैंने कहा पहले मशीन लगा देती हूँ, आज थोड़ी बेडशीट वगैरह थी तो उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी, और किचन वगैरह का मेरा निपट गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैं अपना ये वाले काम पे लग गई, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो रहा था, दो तीन बेडशीट थी उस वजह से, क्योंकि मैंने न्यू बेडशीट जो बिछाई थी ना उसके बाद से जब ये वाली बेडशीट निकाली थी तो मैंने धुली नहीं थी अभी तक, तो ये रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आज इनको भी वॉश कर देती हूँ, तो मैं इनमें लग गई थी सुबह सुबह। और फिर गर्मी इतनी होने लगी ना, अगर सुबह सुबह काम निपट जाए ना ये कपड़े वगैरह का तो अच्छा होता है, फिर गर्मी में नहीं होता दिन में। तो आज कल ना मैं सुबह ही अपना पूरा काम खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा 9-10 बजे तक पूरा काम निपट जाए, फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए, और अपना जो बाकी का काम है ना घर के अंदर का वो कर लो, क्योंकि बाहर बालकनी में फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता गर्मी में, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है आज के टाइम में और इतनी ज़्यादा लू चलती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद बेडशीट वगैरह धुल गई थी तो मैं इनको सुखाने आ गई थी बाहर बालकनी में, और वैसे तो मैं अंदर भी सुखा देती हूँ, बट जो थोड़े बड़े होते हैं ना, छोटे कपड़े तो डाल देती हूँ अंदर, बट थोड़े बड़े मैं बाहर ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है बेडशीट वगैरह सुखा दी है, उसके बाद का मेरा बाहर का काम पूरा निपट गया था तो मैं आ गई थी अंदर। तो फिर अभी मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूंगी, झाड़ू वगैरह सब हो गई है, लास्ट में डस्टिंग बची थी तो मैंने कहा चलो एक बार डस्टिंग करके ना उसके बाद पूरा पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था, क्योंकि मैं पहले ध्यान नहीं देती थी कि डस्टिंग पहले करनी है कि झाड़ू, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ना डस्टिंग सबसे लास्ट में किया करो, क्योंकि अगर उसके बाद झाड़ू लगाते हो ना तो फिर धूल मिट्टी जो है चीज़ों पे फिर से आ जाती है। तो वो मुझे थोड़ा उनका अच्छा लगा कमेंट, तो मैंने उस पर ध्यान भी दिया और थोड़ा सा मैं उसी तरीके से काम भी करने लगी। तो झाड़ू वगैरह मेरी हो गई, उसके बाद मैंने पूरे में जो है डस्टिंग वगैरह कर दी, और अब मेरा बाकी लास्ट का काम जो रह जाता है वो है पोछे का। तो जल्दी जल्दी से मैं पूरे घर में जो है पोछा भी लगा दूंगी, और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि आजकल जो है गर्मी में मेरा किस टाइम तक जो है मॉर्निंग का काम मैं अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है दोपहर में, और दोपहर से पहले पहले जितना काम हो जाए ना उतना अच्छा है। सुबह सुबह मौसम भी अच्छा रहता है, इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है सुबह के टाइम में, और दोपहर में जो गर्मी पड़ रही है ना आज के टाइम में, फिर तो एसी वाले रूम से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। इस वजह से मैं थोड़ा अपना काम ना जल्दी निपटा रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा पूरा घर का काम निपट चुका है। तो गाइज 9 बज गए हैं और मेरे घर का पूरा काम हो चुका है खत्म, बस नहाना रह गया, अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। उससे पहले ना मैं एक बार आपको काम निपटने के बाद का ना घर का एक बार व्यू दिखा देती हूँ पूरा, कि कितना अच्छा लगता है जब पूरे घर का काम खत्म हो जाता है, तो एकदम से सुंदर दिखता है, एकदम ऑर्गेनाइज, और मतलब एक मन ना अपने आप ही खुश हो जाता है जब पूरा काम घर का खत्म हो जाता है, और जल्दी हो जाए ना तब तो और अच्छा लगता है। और गर्मियों में तो मेरा आजकल 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक मैं अपना पूरा काम खत्म कर देती हूँ। तो ये देखिए पूरा काम खत्म होने के बाद घर कितना सुंदर और ऑर्गेनाइज लगता है।
गाइस बस उसके बाद मैं नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, सबसे पहले पूजा कर दूंगी और उसके बाद अपना खाना पीना करेंगे कुछ। तो सबसे पहले मैं नहलाऊंगी लड्डू गोपाल को, और ये मैं डेली करती हूँ जब भी मेरा काम निपट जाता है। उसके बाद नहा के सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, और लड्डू गोपाल को मैंने अच्छे से नहला के तैयार करके बिठा दिया है। अब उसके बाद करती हूँ दिया बत्ती, और सुबह का काम ख़त्म करने के बाद ना 10-15 मिनट हमें भगवान जी के लिए भी ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मन को भी शांति मिलती है, घर में भी पॉजिटिविटी रहती है। तो ये तो मतलब एक अपने रूटीन में ना ऐड कर लेना चाहिए, और ये हमारे ना मन से भी होता है, ऐसे नहीं है कि आपको जोर जबरदस्ती से कोई करवाएगा ये करेगा, लेकिन ये आपके मन के अंदर की चीज़ें होनी चाहिए। तो बस वही, जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हो तो 10 मिनट हमें ना भगवान जी के साथ भी स्पेंड करने चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर दिया, भोग भी लगा दिया है, दिया बत्ती सब हो गई है मेरी अच्छे से, और उसके बाद जो लड्डू गोपाल को मैंने जिस पानी में नहलाया था ना वो मैं तुलसी माता में डाल दूंगी, और उसके बाद अपना बाकी का काम। तो बस दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे लगी थी भूख। वो रात की ना भिंडी की सब्जी बची हुई थी और सुबह की रोटी बची हुई थी, तो मैंने सोचा अब क्या बनाती हूँ अकेले के लिए, और मट्ठा भी था, तो जो रोटी बची हुई थी ना मैंने कहा उनके पराठे बना लेती हूँ घी में, उसी रोटी को सेक के, और भिंडी की सब्जी हो ही जाएगी। तो अब क्या बनाऊं मैं अपने अकेले के लिए, क्योंकि सुबह जब हस्बैंड का लंच बनाती हूँ ना तो मैं तभी अपना भी बना के रख लेती हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बार बार किचन में आने का मन नहीं करता। तो जितनी जल्दी किचन का काम हो जाए ना दोपहर में उतना अच्छा है, और अकेले इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड हो घर में तब तो इंसान मतलब ट्राई करने की कोशिश भी करे कि चलो दोनों हैं हम तो कुछ अच्छा सा बना के खाते हैं, बट यह है कि मैं अब सुबह ही कर लेती हूँ अपना। तो सुबह जो है मेरी रोटी जो है मैंने सुबह बना के रख ली थी, और सब्जी तो मेरी रखी हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूंगी अपना खाना। तो भिंडी ले लिया, रोटी ले लिया, साथ में मैंने लिया है मट्ठा, और अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच। उसके बाद गाइज मेरा आ गया था एक कोरियर, और कोरियर की जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी ना वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट ये मैं आपके साथ पहन के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी मम्मी के यहाँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूंगी ये। तो ये देखिए सूट कैसा लग रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, प्राइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और लिंक भी। मुझे बहुत पर्सनली गर्मियों के लिए इतना अच्छा लगा है ना, पता भी नहीं चल रहा है मैंने कुछ पहना हुआ है, बहुत ही अच्छा है गर्मी के पर्पज से। तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, मैंने कहा चलो ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये वाला व्लॉग में अब जो है मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर, और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। अब देखते हैं कब आती हूँ, कब आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। वैसे तो एक दिन के लिए जा रही हूँ अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए, और आ जाऊंगी, उसके बाद आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड व्लॉग को कर देना लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।